जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ दिनों से दोस्तों यहाँ पर चैनल पर वीडियोज नहीं आ रहे थे। दोस्तों अब रेगुलर यहाँ पर वीडियोज आएंगे, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। ठीक दोस्तों, तो जो रेगुलर आपसे लोग बन रहे हैं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। शाम तक इसकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, तो वहां पर जरूर जुड़ जाएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम पर जरूर आपसे लोग जुड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताने हैं लास्ट में आपसे लोग 30 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां दे रखा है संशोधन। संशोधन में उपसर्ग पूछा गया आप सभी से। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है पूछा गया, बताइए आप लोग। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, संशोधन में उपसर्ग बताइएगा। क्या ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। दोस्तों सम प्लस शोधन होता है, याद रखिएगा, सम प्लस शोधन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, याद रखिएगा। संशोधन इसी तरीके से लिखा जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका फर्स्ट का बी करेक्ट है, फिलहाल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्दांश होता है उसके पहले जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं तो मूल शब्दांत के अंत में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको भी आज से लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन बना, सेकेंड क्वेश्चन। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, करण, संबंध, अधिकरण, या फिर अपादान। दोस्तों कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक दोस्तों कुल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ यानी अलगाव, अधिकरण क्या होता है दोस्तों, अधिकरण होता है आप सभी का, संबंध सबसे पहले जान लो, संबंध काकी के रारी रे, ठीक है। फिर उसका अधिकरण मे पर होता है, फिर संबोधन ओ हाय अरे अच्छी, ये सभी होते हैं संबोधन में, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, तोता डाली पर बैठा है, ठीक है, कहाँ बैठा है, अधिकरण मैंने बताया, अधिकरण में और पर होता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, में या फिर पर आ जाए तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ, और संबंध काकी के रारी रे, मामी में, नानी ने, सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। और फिर उसका था अधिकरण में पर, फिर आ जाता है संबंध, संबोधन ओ हाय अच्छी अरे ये सभी, ठीक है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सेकेंड का सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है आप सभी को, बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से, धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, बताइए आप लोग। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला संध्या दोस्तों, ये स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिए। और सभी क्या है इसमें, और सभी इसमें धावा, भत्ता, धुआं, पुल्लिंग है, याद रखिए। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, ठीक है। और यहाँ पर संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों अच्छा अच्छी लगाकर पता कर सकते हो, जैसे कि स्त्रीलिंग पता करना तो अच्छी लगाइएगा या मेरी लगाइएगा, हमारी लगाइएगा, ठीक दोस्तों। और पुल्लिंग पता करना हो तो मेरा लगाइएगा, अच्छा लगाइएगा, हमारा लगाइएगा, ठीक, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, या फिर हमारा हमारी, ऐसे लगा के आप सभी लोग पता कर सकते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चिड़िया शब्द, चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों, चिड़िया शब्द को बहुवचन में कन्वर्ट करिएगा, इसको किस तरीके से बहुवचन इसका बनाना है, किस तरीके से बनाओगे, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखिए आप सभी लोग। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है, ए सही जवाब है इसका, याद रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों आप सभी से पूछा गया, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है इसमें से, बताइएगा आप लोग। अब लोग संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे, तो करेक्ट आंसर इसका करेगा, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक, अन प्लस अंत होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवें का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया आपसे, विषय बताइए आप लोग, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी सही है या फिर डी सही है, चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। सिक्स क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए दू प्लस प्रकृति, दू प्रकृति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो दोस्तों जो सा होता है, सा षटकोण वाला आधा सा, ये इसमें बदल जाता है दो बिंदियों में, चंद्र बिंदु जिसे बोलते हैं, ठीक। तो दू प्लस प्रकृति ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीलगाय में कौन सा समास है दोस्तों, नीलगाय में कौन सा समास है आपसे भी से पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, नीलगाय में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों जिसमें विशेषण और विशेष की बात होती है वहां पर दोस्तों कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, विशेष गाय है, नील क्या है दोस्तों, नीला क्या है, नीली गाय, नील गाय लिखा है तो नीला यानी कि नीली गाय, नीली गाय क्या, नीली क्या है, नीली दोस्तों आप सभी का विशेषण है, ठीक है, गाय की विशेषता बता रहा है नीला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। और जिसमें दोस्तों कारक आ जाए वो यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, कर्म कारक को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर, पहले और लास्ट वाले को छोड़कर, ठीक है, कर्ता वाले को छोड़कर, कर्म नहीं कर्ता पहला आता है, ठीक है दोस्तों, कर्ता छोड़कर और संबोधन छोड़कर, बीच वाले जो छह बचते हैं कारक उसमें से जो भी आ जाए, तो जैसे कि अलगाव आ जाए या अधिकरण आ जाए, जब भी जो ये चीजें आ जाए तो वहां पर मतलब संधि विच्छेद करने पर चीजें आ जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें और लग के आएगा जैसे माता पिता, भाई और बहन। अव्यय भाव समास है दोस्तों, प्रथम पद अव्यय होता है या फिर प्रथम पद में उपसर्ग होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या सी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज में कौन सा समास है दोस्तों, त्रिभुज में कौन सा समास है पूछ लिया जाएगा, क्या क्लिक करोगे, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, द्विगु समास है, याद रखिए, देखो जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी वाला है, तीन भुजाओं का समूह, ठीक, तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग इसमें से पूछा गया, किस शब्द में उपसर्ग है बताइए आप लोग, किस शब्द में उपसर्ग है बताइए, लालिमा, पराजय, दशक या फिर आपका कारीगर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका बताइएगा, दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, पराजय, पराजय में दोस्तों परा जो है आपका परा ये क्या है आपका उपसर्ग, याद रखिए, और मूल शब्द क्या है दोस्तों, जय, इसमें मूल शब्द, ठीक, जैसे कि पराक्रम आ जाता है तो इसमें परा आ जाता है उपसर्ग, पराभव आ जाता है, परामर्श आ जाता है, पराभूत आ जाता है, याद रखिएगा। लालिमा, कारीगर, दशक, इसमें दोस्तों उपसर्ग नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिए, उपसर्ग रहित है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेंथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों, आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि आशीर्वाद आ जाता है, कामायन और आपका कवित्री आ जाता है, और आपका आग्रह आ जाता है, और आपका अनाहूत आ जाता है, पूजनीय आ जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सभी वीडियोज में बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली क्लासेस चलाएंगे, कभी जीके की आएगी, कभी हिंदी की आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, आशीर्वाद दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक, आशीर्वाद बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, आशी प्लस वार्द, ठीक, आशीर्वाद, ऐसे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, और सभी अशुद्ध हैं, याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन वो अशुद्ध हैं। इनमें से एक वाक्य दोस्तों शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आप सभी को पहचानना है। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन में आते हैं, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गए, ये सभी बहुवचन में आते हैं, और दोस्तों आप सभी के एक वचन में आता है, जैसे बरसात, ठीक है, वर्षा जो है, वर्षा एक वचन में हमेशा आती है, याद रखिएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, या मेरी प्राण निकल गए, दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला,
मेरे प्राण निकल गए, हमेशा बहुवचन में आते हैं प्राण, याद रखेंगे, ए वाला सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, हवा का पर्यायवाची शब्द आपका अनिल होता है, मारुत होता है, पवन होता है, जबकि अनल नहीं होता है। याद रखिएगा, अनल दोस्तों आग का होता है, ठीक, आग का होता है अनल, याद रखेंगे आप सभी लोग। आग के और भी पर्यायवाची शब्द जैसे पावक होता है, हुतासन होता है, दव होता है, ज्वाला होता है, वैश्वानर होता है, दहन होता है, कृषाणु होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बयार, वात, ये सभी दोस्तों हवा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है। अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, जाति, वेद, धूम, केत, ये सभी दोस्तों आप सभी के आग के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिलहाल बी करेक्ट, इसमें पूछा गया था कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो बी वाला नहीं है, याद रखेंगे। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, पूछा गया आप सभी से, बताइएगा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अरविंद, सतदल, सरसिज, या फिर अमीय? दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? दोस्तों अमी दोस्तों ये जो है ये अमी अमी दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है, अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि यहाँ पर कमल के पर्यायवाची शब्द आप लोग जान लीजिए कौन कौन से होते हैं, अरविंद, सरसिज, सतदल, नीरज, पंकज, तोयज, ठीक है, ये सभी दोस्तों कमल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखिएगा, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है बताइए? 14 क्वेश्चन आप सभी लोग, अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होता है, याद रखिएगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अज्ञ का दोस्तों क्या होता है? अज्ञ, अज्ञ जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, अज्ञ का होता है विज्ञ, ठीक है, अज्ञ का विज्ञ होता है, यह भी आप सभी लोगों को याद रखना है। समष्टि का विलोमार्थी क्या है दोस्तों, या विलोम शब्द पूछा गया, समष्टि समष्टि का विलोम शब्द पूछा गया आपसे, इसे क्या क्लिक करोगे, विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि? तो बताओ आप लोग, 15वें क्वेश्चन करेक्ट है, समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, याद रखिए। विशिष्ट का दोस्तों क्या होता है? साधारण, कोई साधारण व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति, यानी विशिष्ट व्यक्ति, याद रखिए। अशिष्ट का दोस्तों क्या होता है? शिष्ट होता है, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा। अपुष्ट का क्या होता है दोस्तों? पुष्ट होता है, ठीक, अपुष्ट का पुष्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे को बता रहा हूँ, नोट करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्लास कैसी लग रही है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपसे लोग बताइएगा। देखिए 16 क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है, तो बताइए आप लोग, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा इसमें से? जो पहले कभी ऐसा ना हुआ हो, अपूर्व, अभूतपूर्व, या फिर अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो 16 क्वेश्चन करेक्ट आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है अभूतपूर्व, ठीक है ना, बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अभूतपूर्व होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखिए जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको या जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या बोला जाता है बताइए आप लोग? जितेंद्री, अजय, जलचर, या फिर जिज्ञासु? 17 क्वेश्चन आप सभी लोग बताएगा, जिसमें जानने की इच्छा हो दोस्तों उसको बोलते हैं जिज्ञासु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। अन्य विकल्प यहाँ पर आशय इनका देख लेगा, जितेंद्रिय दोस्तों किसे बोलते हैं? जितेंद्रिय, जिसमें इंद्रियों, जिसने दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है ना, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। जो जल में निवास करता हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जलचक, जलचर बोलते हैं, यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। जो जल में निवास करता हो, जो जीता ना जा सके उसको दोस्तों अजेय बोलते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। देखिए छ वर्ण किसके योग से बनता है? देखिए दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है, याद रखिए, छत्र ज्ञा स्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी वीडियोज में, पिछले वीडियोज में मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। छत्र ज्ञा स्रा चार होते हैं, छ आ जाता है का प्लस सा षटकोण सा से बनता है, ठीक है, त्रा आ जाता है ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा आ जाता है जा प्लस इया से बनता है,
सर आ जाता है सा प्लस रा से बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करते हुए चलिएगा। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है सा प्लस का प्लस सा, का प्लस सा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या करेक्ट है, ए वाला सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, का प्लस सा सा से बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करते हुए चलिएगा। छ वर्ण किसके योग से बनता है, का प्लस सा से, वो भी हलंत लगता है नीचे, स्वर है ये, ठीक दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो स्वतंत्र रूप से दोस्तों बोले जाते हैं उनको स्वर बोलते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको दोस्तों व्यंजन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं पेपर में। देखिए चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा दोस्तों, चा और छा वर्ण का उच्चारण कौन सा दोस्तों, दोस्तों कंठ है, तालु है, मूर्धन है, या फिर ओष्ठ है, बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों कचट तब आपसे लोग याद रखेगा, ठीक है, पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्गों में पांच पांच दोस्तों आप सभी के व्यंजन होते हैं, ठीक दोस्तों, जैसे का खा गा गा इया, ठीक दोस्तों इस तरीके से इया, ठीक दोस्तों इस तरीके से। तो पहला वाला वर्ग होता है आपसे का कंठ, दूसरा वाला होता है कंठ का तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक दोस्तों याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है अल्प प्राण महाप्राण भी पूछ लिया जाता है, जिसमें दोस्तों कम वायु लगे वो अल्प प्राण होता है, जिसमें ज्यादा वायु लगे वो महाप्राण होता है, ठीक दोस्तों, जैसे का हो गया अल्प प्राण खा महाप्राण, गा अल्प प्राण घा महाप्राण, इस तरीके से आपसे लोग याद रखिएगा, ठीक है। और फिर इसका दोस्तों अघोष सघोष भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं पेपर में, अघोष सघोष, अघोष सघोष क्या होता है दोस्तों, अघोष दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मतलब कि आपका व्यंजन होता है, प्लस तीनों सा होते हैं, प्लस तीनों सा होते हैं और छा होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये अघोष आपसे लोग याद रखिएगा, सघोष अपने आप याद रखिए, इसके अलावा सभी सघोष होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी कि जैसे का और खा, फिर दूसरे लाइन में क्या है गा और घा, मतलब कि हाँ गा और घा इस तरीके से, मतलब कि दूसरे में क्या है, पहले में का खा है, दूसरे में चा और छा है, ठीक है दोस्तों इस तरीके से चा और छा। तीसरे और जो तीन है वो सघोष में जाएंगे, सघोष को घोष भी बोलते हैं, पहले दो क्या होता है अघोष होते हैं, पहले दो अघोष होते हैं प्लस तीनों सा यानी सा सीटी सा षटकोण सा सवाल, ठीक दोस्तों, और प्लस छा छत्री, ठीक ये सभी क्या होते हैं अघोष होते हैं, बाद बाकी सभी सघोष होते हैं याद रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, चा वर्ग कौन सा होता है कंठ तालब तालु हो जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका फिलहाल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, जुगुप्सा, देखिए दोस्तों करुण का क्या होता है दोस्तों शोक होता है, याद रखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौंद्र का दोस्तों स्थायी भाव शोक होता है, सॉरी रौंद्र का क्रोध होता है, करुण का शोक होता है, रौंद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का विस्मय होता है दोस्तों, विभत्स का होता है दोस्तों जुगुप्सा, ठीक है, ये जुगुप्सा विभत्स या घृणा, ठीक है याद रखिएगा, घृणादार चीजों में यहाँ पर इसका यूज करते हैं याद रखिएगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव दोस्तों विभत्स होता है, सी करेक्ट है याद रखेंगे। देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है, प्रश्न में रस के लिए सही विकल्प चुनिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें दोस्तों कौन सा रस है, करुण रस, रौंद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, या फिर वियोग श्रृंगार रस, दोस्तों आपसे लोग करुण रस लग रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कहीं रोने की वो हो रहा है नहीं हो रहा ना, इसमें कहीं क्रोध आ रहा को नहीं आ रहा, इसमें आप सभी को कहीं संयोग दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसमें आप दोस्तों आप सभी को वियोग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है खग से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी भगवान राम सीता को खोजते हुए घूम रहे हैं, यानी कि वियोग है यहाँ पर, ठीक ढूंढ रहे हैं, वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है याद रखेंगे। 22 क्वेश्चन देखिएगा, पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए दोस्तों, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है बताइए आप लोग, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ भ्रष्ट में आप सभी को समास बताना है दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, सी वाला करेक्ट है, पथ से भ्रष्ट, ठीक है से आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक दोस्तों करण से या के द्वारा, ऐसा जब आ जाए पथ से भ्रष्ट याद रखिए, इस तरीके से इसका इसको अलग करेंगे, ठीक पथ से भ्रष्ट, यहां पर अपादान कारक भी बोल सकते हो, ठीक दोस्तों अपादान मतलब यहां पर अपादान अलगाव हो रहा है, पथ जो है पथ से अलग हो, करण नहीं है, करण भी ऐसे
करण में भी आता है से के द्वारा, अपादान में भी आ जाता है से या फिर अलगाव। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर अपादान हो रहा है, यानी पथ से अलग हुआ है, अपादान अलग होने का अर्थ अपादान अपादान तत्पुरुष है। यहाँ पर याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है। मैंने बोला था कारक जिसमें आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीरदास? दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, जयशंकर प्रसाद है, याद रखेंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कभी कभी दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद की ये क्या है, खंड काव्य, महाकाव्य, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। ठीक है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के क्या है, महाकाव्य, ना कि खंड काव्य। ऑप्शन नंबर सी वाला फिलहाल करेक्ट है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिएगा, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें एक चीज आपसे लोग देखिएगा, जो दिवसावसान के समय की बात हो रही, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी सी परी। आसमान से कौन उतरेगा, कोई उतर पाएगा? ये आप सभी को, आप सभी को एक तरीके से बहकाने वाला काम किया जाते हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे कि कभी कभी बोल दिया जाएगा कि मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बारे में बोला जाता है, हे सज धज के कहाँ चली, ऐसी चीजें बोली जाती हैं, वो मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसमें से संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वाक्य दोस्तों आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में सेंटेंस पूरा सरल होता है, सिंपल होता है। संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो कि, जब तब, क्योंकि, की, ये सभी चीजें आ जाती हैं। और आप सभी का संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, तथा, ठीक है, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, इसको संयुक्त वाक्य में देखिएगा, और किंतु परंतु कुछ आ रहा है इसमें, पंडित होते हुए भी वह हटी है, ये नहीं है, पंडित होने के कारण वह हटी है, नहीं है, वह पंडित है, वह हटी है, गलत, वह पंडित है किंतु हटी है। देखिए आ गया, और किंतु परंतु, ये सभी चीजें आ जाती है, तो संयुक्त वाक्य होता है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बताइए आप लोग, मच्छरदानी में पूछा गया पेपर में है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए लेकर आया हूं। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? इसमें मच्छर प्लस दानी, मच्छर प्लस दानी, मूल शब्द मच्छर दानी। ठीक दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, दानी, ये प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद दोस्तों आपसे भी पूछ लिया गया, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए आप लोग। सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह। दोस्तों करेक्ट है इसका 27 का ऑप्शन नंबर डी वाला, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि पूछ ली जाएगी, तो क्या क्लिक करोगे, यण स्वर संधि है, याद रखिएगा। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, इसमें संधि पूछ ली जाएगी, तो कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। ठीक है, चलेगा। तिलक किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर शब्द है? तिलक किस प्रकार से शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, तेसज है या फिर संकर शब्द है? दोस्तों ये संकर शब्द नहीं है, ना ही देसज शब्द है, ना ही तद्भव शब्द है, ये दोस्तों क्या है, ये तत्सम शब्द है आपका, याद रखिएगा। संकर, सॉरी, ये तिलक, तिलक क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। दोस्तों संस्कृत से ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों यहाँ पर प्रयोग किए जाने लगे, संस्कृत के, संस्कृत से जो शब्द दोस्तों होते हैं, जो ज्यों के त्यों प्रयोग हम लोग करते हैं, उनको दोस्तों तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, और थोड़ा जो परिवर्तन हो जाए उसको तद्भव कहते हैं, याद रखिए। तिलक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, माता पिता हो गए, ये सभी दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द हैं, याद रखेंगे। फूल का तत्सम दोस्तों क्या होता है इसमें से? फूल का तत्सम क्या होता है? फूल शब्द का तत्सम आप सभी से पूछ लिया गया है, फूल का तत्सम होता है पुष्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 30 क्वेश्चन आपके टोटल मैंने कंप्लीट करा दिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 30 क्वेश्चन बताइए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली स्थान स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली स्थान स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का प्रायोजन स्वयं में बड़ा काम है, आरक्षण स्वयं में बड़ा काम है, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, या फिर संगठन स्वयं में बड़ा काम है। दोस्तों 30 क्वेश्चन का करेक्टली राइट आंसर आपसे को बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। यहाँ पर आयोजन आएगा, याद रखेंगे, ठीक है, ना कि प्रायोजन, ना कि आरक्षण, ना कि संगठन। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब। तो कितने आप लोगों ने कमेंट बताइएगा, कितने आप लोगों ने सही सही आंसर दिए हैं इसके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग।